वजीर आजम पासा हो गए तो हमसे क्यों छुपाए इब्राहिम? मैं अपने हर मनसब को, हर रुतबे को तर्क करके आप लोगों के पास आया हूँ। माहिगीर मानोलेस का बेटा बनकर वापस आया हूँ बारगाह। अपना दर्द इश्क इसलिए छुपाया कि वापसी का सफर तन्हा करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग साथ आए। क्योंकि इस सफर का अंजाम मौत है बाबा। तीन साल इस महल में रहा हूं बाबा, लेकिन आज शायद आखिरी बार इसके दरवाजे से अंदर दाखिल होऊंगा। हम भी साथ दाखिल होंगे तुम्हारे इस महल में। तुम जहां जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। निको जिद मत करो, शाही अफराद के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता, ममनू है। तो फिर हम इंतजार करेंगे तुम्हारा यहीं। कहीं नहीं जा रहे हम लोग, आई समझ में? बाबा का बहुत ख्याल रखना और महल के दरवाजे से दूर रहना, समझ गए ना? अगर मैं जिंदा वापस ना आ सका तो मेरी कब्र यहां ना बनाइएगा, बारगाह ले जाइएगा, मुझे दफना दीजिएगा अम्मी के पहलू में। नहीं इब्राहिम, ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। चलता हूं। बाबा